नरकटियागंज प्रखंड के धूमनगर गांव में केंद्र सरकार के तमाम योजनाओं की जानकारी देने को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जनवरी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं अलग अलग स्टॉल लगाकर उन्हें योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेडिकल टीम की ओर से ग्रामीणों के स्वास्थ्य जाँच व उन्हें मुफ्त दवाई भी वितरित की गई। नोडल पदाधिकारी सह तकनीकी सहायक सुनील कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण जनवरी कल्याणकारी जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि, महिला सम्मान, उज्ज्वला योजना समेत तमाम योजनाओं की जानकारी दी गई। सरकार की जितनी महत्वाकांक्षाएं लगा दिया है, भारत के लक्ष्य को लेकर विकास से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी। हमारा संकल्प विकसित भारत का रथ पूरे भारत में हर गांव में हर पंचायत में हर मोहल्ले में पहुंच रहा है और उस रथ का उद्देश्य है कि जितने सरकार की योजनाएं हैं वो उज्ज्वला हो, आपको ये डाकघर की हो, उज्ज्वला योजना हो, ये आपके सीएसपी के द्वारा हो, बल्कि एक छत के नीचे सरकार की सारे योजनाओं का प्रसार प्रसार करना और एक छत के नीचे एक पंचायत में हर एक गांव में जितने लोग छूट गए हैं, जिनको उज्ज्वला का लाभ नहीं मिला, जिनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना, जिनका आपको विश्वकर्मा योजना का लाभ नहीं मिला, वो एक जगह धरातल पर आके सारे लोग आवेदन भी देंगे और सरकार की योजनाओं को उनको फायदा भी पहुँचेगा। क्यों लगाया, क्या उद्देश्य? भारत सरकार का जो योजना चल रहा है भारत में, उसी योजना के बारे में जो पूर्व में से आ रहा है उसके बारे में जानकारी देना, जो नए नए योजना आ रहे हैं, जो लोग लाभ ले चुके हैं, जो वंचित लोगों हैं उनके लिए भी शिविर सब लगा हुआ है। यहाँ मेडिकल का है, आपको हेल्थ मेडिकल का है, उजाला गैस का है, बैंक का है, हर तरह का जितना जो है भारत सरकार है का है, जिससे वंचित लोग हैं उनको बताया जा रहा है कि वो आकर के इसको जोड़। शिविर लगा है, क्यों लगा है, क्या उद्देश्य है इसका? शिविर का मुख्य मकसद है कि आम जनता को प्रधानमंत्री जी के कार्यों के बारे में जन जन तक चर्चा करना, जो सरकार की उपलब्धियाँ है उसके बारे में आज आम गांव गरीब के लोगों को भी बताया जा रहा है कि जो भी लोग लाभ ले चुके हैं, जो अभी तक छूटे हैं वो लोग आके यहाँ पर जागरूक हो और वह अपना लाभ ले। जैसे सरकार का किसान सम्मान निधि है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान कार्ड है, इस सब विषय में सभी चर्चा हो रहा है और लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है।